नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको रीट जो आगामी दिनों में होने वाली है उसमें इतिहास के टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करवा रही हूँ। आप सबको पता होना चाहिए वैदिक सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। आपको इस बात का पता होना चाहिए और इन्हें मान के चलना। पिछले जो पेपर थे उनमें से कई बार जो है धार्मिक जीवन वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए। बच्चों देखिए, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो कर्मकांडी थे। कैसे थे? कर्मकांडी थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रकृति के उपासक थे, मूर्ति पूजा किया करते थे। कौन सी पूजा करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। और प्रवर्ती मार्ग को महत्व दिया गया है। इस संसार में सुखमय जीवन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार देवी देवताओं को खुश करना है, ये सब प्रवृत्ति विद्यमान थी वैदिक सभ्यता के लोगों में। जैसे हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निवृत्ति मार्ग पर जोर देते थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों ने प्रवृत्ति मार्ग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बच्चों उसके बाद आता है बहुदेववाद। आप सबको इस बात का पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता के लोग बहुत देवी देवताओं की उपासना करते थे, शिव, इसके अलावा वरुण, इंद्र, सूर्य, सविता, सरस्वती, प्रकृति के नीम, पीपल, जो आपकी तुलसी, इन सब की वो लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। तो बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ये हमें कैसे पता चलता है वो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ऋग्वेदिक जो देवता माना जाता है वो इंद्र को माना जाता था। किसको माना जाता था? इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेदिक देवता कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए इंद्र सबसे प्रमुख देवता जो माना जाता था ऋग्वेदिक समाज का, वो था आपका इंद्र। इंद्र के बारे में 250 सूक्त लिखे गए हैं। पूरे ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है वो इंद्र के बारे में लिखे हुए हैं। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था और इसका अस्त्र जो था वो वज्र था। तो ऋग्वेदिक समाज का प्रमुख देवता इंद्र था और इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा सूक्त 250 सूक्त देखने को मिलते हैं। युद्ध का देवता किसको माना जाता था? इंद्र को माना जाता था और इनका अस्त्र था वज्र। और पुरंदर और मधुआ के नाम से भी इंद्र को जाना जाता था। किस नाम से? पुरंदर और मधुआ। दूसरा देवता है बच्चों आपके वरुण। वरुण जिसको हम आकाशीय देवता और नैतिकता का देवता भी कहा जाता है। और ऋतश्चय गोपा वाला क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में आ चुका है बच्चों। एसएससी के कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ऋतश्चय गोपा किस देवता को माना जाता है या किस देवता का उपनाम है, तो आपको पता होना चाहिए वरुण। वरुण जो कि आकाशीय देवता है, नैतिकता का देवता है, जिसको ऋतश्चय गोपा के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला आपने पढ़ा इंद्र, दूसरा आपने पढ़ा वरुण। तीसरा देवता आता है बच्चों अग्नि। अग्नि से संबंधित दूसरा प्रमुख देवता जिसके बारे में सबसे ज्यादा सूक्त देखने को मिलते हैं वो है आपकी अग्नि। कौन है? अग्नि। अग्नि के बारे में 200 सूक्त है और इंद्र के बारे में 250 सूक्त है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अग्नि को देवताओं का पुरोहित, अतिथि देवता के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेदिक काल में देवताओं के पुरोहित के रूप में किस देवता की उपासना की जाती थी, तो आपका आंसर होगा बच्चों अग्नि। अतिथि का देवता किसको माना जाता था, तो आपका आंसर होगा बच्चों क्या? अग्नि। उसके बाद आता है बच्चों सोम। सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है?
नवे मंडल में। दसवें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया है, पिछले वीडियो में बताया था, और तीसरे वीडियो में तीसरा जो आपका मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में देखी थी, तो ध्यान रखना ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है, जिसका उल्लेख 144 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है बच्चों? 144 बार जो है जिसका उल्लेख हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मान के चलना बच्चों जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है वो सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना मैंने जो भी आपको बोर्ड पर लिखवाया है उसकी एक एक बात को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, पूरे वीडियो को देखना है, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, वरना आप वीडियो का लाभ नहीं ले पाओगे। मैं यही चाहती हूँ कि आप रीड की तैयारी अच्छे से करें और सफल हो और एग्जाम को क्रैक कर सको, यही मेरी अभिलाषा है बच्चों। तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन के बारे में पता चलेगा। अब उसके बाद आता है बच्चों अश्विन। अश्विन जो है वो देवताओं का चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। उषा प्रातः काल की देवी के नाम से पूजी जाती है। अदिति जिसे सार्वभौम भावना का प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। सरस्वती जिसे ऋग्वेदिक समाज की सबसे पवित्र नदी माना जाता था वो थी आपकी सरस्वती नदी। आंधी और तूफान का नेता माना जाता था मरुत को। किसको? मरुत को। तो ध्यान रखना युद्ध का देवता इंद्र, आकाशीय देवता और ऋतस्य गोपा वरुण, अतिथि का देवता, देवताओं का पुरोहित अग्नि, सोम आपका आ गया नवे मंडल में उल्लेख है, देवताओं का चिकित्सक देवता है अश्विन, प्रातः काल की देवी है उषा, सार्वभौम भावना की प्रतीक है अदिति, सरस्वती सबसे पवित्र नदियों में से मानी जाती है। उसके बाद आता है मरुत जिसे आंधी तूफान के नाम आंधी तूफान की देवी के रूप में भी माना जाता है बच्चों। अब बात आती है कि वैदिक काल में पहले हमने पढ़ा था प्रवृत्ति मार्ग को महत्व दिया गया है, दूसरा हमने पढ़ा था बहुदेववादी थे, बहुत से देवी देवताओं की उपासना करते थे। अब आता है यज्ञ परंपरा। ऋग्वेदिक काल में सरल यज्ञ करा किया करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ जटिल और कर्मकांडी हो चुके थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। उनमें आपके आते हैं बच्चों पहला यज्ञ आता है आपका राजसूय। कौन सा आता है? राजसूय, अश्वमेध, राजसूय, अश्वमेध, वाजपे, ये अनेक यज्ञ तो जो है वो उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो चुके थे। तो यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था ऋग्वेदिक काल में, और यज्ञ में विभिन्न प्रकार की हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता था, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, और मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था? मैंने बताया था अर्धव्यू के नाम से जाना जाता था, अर्धव्यू के नाम से जाना जाता था बच्चों। अब बात आती है बच्चों वैदिक सभ्यता के लोग एकाधिदेववाद में विश्वास करते थे, मतलब ये था कि एक से अधिक देवताओं को पूजते थे, लेकिन एक समय विशेष पर किसी एक समय के देवी देवता का पूजन करते थे। जैसे नदी की देवी सरस्वती को माना जाता था, अगर आपको बारिश की संभावना थी कि वर्षा करनी है तो वर्षा के लिए वो किसको जानते थे? वरुण की उपासना किया करते थे। इसके अलावा अग्नि की उपासना
देवताओं के अतिथि देवता के रूप में उसको पूजा जाता था। तो अलग अलग समय विशेष के आधार पर देवता को पूजा को चेंज कर देते थे। जैसे हम जानते हैं सोमवार को हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करते हैं, मानते सबको है लेकिन एक समय विशेष पर किसी एक विशेष देवता को विशेष महत्व दिया जाना, ये हमने ऋग्वेदिक समाज से सीखा है जो आज भी हमारी हिंदू परंपरा में विद्यमान है। तो एकादिदेववाद में विश्वास करते थे। फिर है एकेश्वरवाद, माना जाता था सभी देवी देवता है, युद्ध का देवता भी पड़ा, अश्विन पड़ा, सोम पड़ा, लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसा ईश्वर है, एक सृष्टि का निर्माता माना जाता था जो सबसे ऊपर है, जो सबका देवता है वो था आपका। इसीलिए कहा जाता है एकेश्वरवाद में ये लोग विश्वास करते थे, बहुदेववादी थे, बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे लेकिन ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता है, इस बात में भी ये लोग विश्वास करते थे। कौन? ऋग्वेदिक समाज के लोग। उसके बाद आता है ऋत की अवधारणा। बच्चों इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, ऋत क्या है? ऋत एक नैतिक अवधारणा है, एक आध्यात्मिक अवधारणा है। इस ऋत पर ही समस्त ऋग्वेदिक समाज का धार्मिक जीवन जुड़ा हुआ है। तो ऋत का जो है ऋग्वेद में कई बार इसका उल्लेख किया गया है और ऋत का मतलब है नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था। नैतिक रूप से वो कैसे होंगे और आध्यात्मिक विश्वास कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इस बारे में हमें ऋत के माध्यम से पता चलता है। तो आज आपने ऋग्वेदिक समाज के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया, उसमें पहला पड़ा प्रवृत्ति मार्ग को महत्व देते थे, बहुदेववादी थे, बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, यज्ञ परंपरा विद्यमान थी, एकादिदेववाद एक समय विशेष पर किसी एक देवता को प्रमुखता देते थे, ईश्वर एक है, वही सृष्टि का रचयिता है, इस बात पर विश्वास करते थे। ऋत की अवधारणा का मतलब था नैतिक एवं आध्यात्मिक व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं क्या? ऋत। तो आज आपने ऋग्वेदिक समाज के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। बच्चों इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अब बात आती है ऋग्वेदिक समाज के धार्मिक जीवन और उत्तर वैदिक समाज के धार्मिक जीवन में क्या क्या अंतर था। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि ऋग्वेदिक समाज का धार्मिक जीवन सरल था लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जटिल हो गया था। ऋग्वेदिक काल में यज्ञ जो हुआ करते थे वो सरल हुआ करते थे जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो जटिल होने लग गए थे। कर्म कांड की परंपरा उत्तर वैदिक काल तक आते आते बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऋग्वेदिक समाज में आपके जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र, सोम, वरुण, अग्नि ये थे जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते तीन देवताओं का प्रमुख महत्व बढ़ गया था, विष्णु, शिव, प्रजापति। इन तीन देवताओं की महत्ता उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता कौन था, तो ध्यान रखना इंद्र, जबकि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता पूछे तो ध्यान रखना विष्णु, शिव और प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में से माने जाते थे। आप सबको ये भी पता होना चाहिए इंद्र सबसे प्रमुख देवता था लेकिन यहाँ पर इसका स्थान विष्णु, शिव और प्रजापति ने ले लिया था। ये वैदिक सभ्यता या ऋग्वेदिक सभ्यता में यज्ञ बहुत छोटे होते थे जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते धर्म जो यज्ञ होते थे वो बड़े बड़े राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय ऐसे यज्ञ जो थे वो होने लग गए थे। धर्म में धार्मिक जीवन में जो सरलता थी वो सरलता उत्तर वैदिक काल तक आते आते खत्म हो चुकी थी। मूर्ति पूजा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी।
कर्म कांड बढ़ता जा रहा था उत्तर वैदिक काल तक आते आते। तो ये आज आपने उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया बच्चों, आपने समझा। तो मैं आपको रीट या अदर जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है बच्चों, उनकी तैयारी करवा रही हूँ। जिसने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो वो बच्चे मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे, समझेंगे और अपने स्वयं के नोट्स बनाएंगे। अभी आप जो नोट्स बनाएंगे वो आगे जाकर के आपको जरूर सफलता दिलाएंगे। तो जो मैंने बोर्ड पर नोट्स लिखे हैं उनको लिखिए। आगे के वीडियोस में मैं आपको कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के जितने भी पिछले पुराने पेपर्स हुए हैं उनको आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहे बच्चों। धन्यवाद।